प्रारंभ से ही पुरानी कहावतों और हमारे भारतीय साहित्य में हंस को एक विशेष पक्षी का दर्जा प्राप्त है। इसे दैवीय पक्षी भी कहा जाता है। अक्सर आपने हिंदी कहावतों और साहित्य में हंस को मोती खाने की बात अवश्य ही पढ़ी और सुनी होगी। साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि हंस दूध और पानी को अलग करने में माहिर होता है। चलिए देखते हैं संस्कृत के इस छंद को जो जग जाहिर है। नीर क्षीर विवेके हंसालस त्वमेव तनुषे चेत विश्वस्मिन् धुन्नाय कुलव्रतम् पालयिष्यति कः। इसका अर्थ ये है, हे हंस, यदि तुम ही दूध और पानी को अलग करने में आलस्य करोगे तो इस संसार में कौन दूसरा अपने कुल की मर्यादा का पालन करेगा। मित्रों, इस छंद में हंस के द्वारा पानी और दूध को अलग करने की बात की गई है। दोस्तों, बस थोड़ा सा धैर्य के साथ बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि इस वीडियो में मैं इसी चीज को क्लियर करने वाला हूँ।